बात करते हैं प्रियंका गांधी की। प्रियंका गांधी वाड्रा कांग्रेस की सियासी जमीन तैयार करने के लिए पूरी ताकत झोंक रही हैं। इसी कड़ी में वो मथुरा पहुंची, जहां पर उन्होंने किसान महापंचायत में हिस्सा लिया और केंद्र सरकार पर फिर से निशाना साधा। प्रियंका गांधी वाड्रा पर यूपी में हाशिए पर पड़ी कांग्रेस की साख को वापस लाने की जिम्मेदारी है, और इसी वजह से पश्चिमी यूपी में कृषि कानूनों के खिलाफ जो लोगों में गुस्सा है उसका वो पूरा फायदा उठाने की कोशिश कर रहे हैं। कुछ इसी अंदाज में प्रियंका गांधी वाड्रा ने मथुरा की किसान महापंचायत को संबोधित किया, जहां केंद्र की मोदी सरकार और राज्य की योगी सरकार पर उन्होंने सीधा हमला बोला। प्रियंका गांधी वाड्रा पिछले कुछ वक्त से यूपी की सियासत में काफी सक्रिय नजर आ रही हैं। इसी कड़ी में वो मथुरा पहुंची थी, जहां पर उन्होंने लोगों से बांके बिहारी और यमुना मैया के जयकारे लगवाए और इसके बाद अपना भाषण शुरू किया। उन्होंने कहा कि ये धरती अच्छे अच्छों का अहंकार तोड़ देती है। ये धरती मथुरा की धरती है, ये धरती अहंकार को तोड़ती है। भगवान श्री कृष्ण ने अहंकार में डूबे इंद्रदेव जी ये अहंकार को तोड़ने के लिए प्रियंका गांधी वाड्रा खास तौर से पश्चिमी यूपी को साधने की कोशिश कर रही हैं। ऐसा इसलिए है क्योंकि पश्चिमी यूपी के किसान ज्यादा तादाद में केंद्र की ओर से लाए गए कृषि कानूनों का विरोध कर रहे हैं, और दिल्ली में जारी किसान आंदोलन को इन्हीं लोगों ने अपना समर्थन दे रखा है। मथुरा में प्रियंका गांधी वाड्रा ने भी इन लोगों के गुस्से का फायदा उठाने की कोशिश की और कृषि कानूनों को लेकर सरकार पर जमकर हमला बोला। वहीं प्रियंका गांधी वाड्रा मथुरा में भी भक्ति में डूबी दिखाई दी। प्रियंका ने बांके बिहारी मंदिर में पूजा अर्चना की और लोगों को वैसा ही संदेश देने की कोशिश की जैसा सहारनपुर में मां शाकुंभरी देवी के दर्शन और प्रयागराज में मौनी अमावस्या पर आस्था की डुबकी लगाकर दी थी। प्रियंका गांधी वाड्रा पश्चिमी यूपी में किसान महापंचायतों में लगातार शिरकत कर रही हैं। इसकी शुरुआत उन्होंने 10 फरवरी को सहारनपुर से की थी और इसके बाद किसान पंचायत में भी शिरकत की थी। फिलहाल प्रियंका यूपी विधानसभा चुनाव के लिए कांग्रेस की जमीन तैयार करने की कोशिश में जुटी है। एबीपी गंगा के लिए ब्यूरो रिपोर्ट। बढ़ते आगे और अब आपको यह दिखाते हैं कि कैसे प्रियंका गांधी वाड्रा किसान आंदोलन के सहारे कांग्रेस की खोई हुई जमीन वापस पाने की कवायद में हैं। बिल्कुल 10 फरवरी को सहारनपुर से उन्होंने इसका आगाज किया। सहारनपुर में किसान पंचायत में उन्होंने शिरकत की। प्रियंका गांधी का मिशन 2022। 11 फरवरी को मौनी अमावस्या पर प्रयागराज प्रियंका गांधी गई। मौनी अमावस्या पर संगम तट पर उन्होंने डुबकी लगाई, वो तस्वीरें भी सबने देखी थी। 15 फरवरी को बिजनौर में महापंचायत में वो शामिल हुई, यानी एक के बाद एक महापंचायतें, और 20 फरवरी को मुजफ्फरनगर में भी उन्होंने महापंचायत की। एक के बाद एक महापंचायतों का दौर 21 फरवरी को भी जारी रहा और फिर प्रयागराज के गांव
बसवावर में वो पहुंची, निषाद समुदाय के लोगों से वहां पर मुलाकात प्रियंका गांधी ने की और 23 फरवरी को मथुरा में, यानी आज की हम बात बता रहे हैं कि किसान महापंचायत में वो शामिल हुई और कृषि कानूनों को लेकर केंद्र सरकार पर निशाना साधा प्रियंका गांधी ने। 10 फरवरी को सहारनपुर से शुरू हुआ था ये दौर प्रियंका के दौरों का। सहारनपुर में किसान पंचायत में उन्होंने उस वक्त शिरकत की थी और 11 फरवरी को प्रयागराज पहुंची थी प्रियंका गांधी। फिलहाल बढ़ते आगे और दीपक सिंह हमारे साथ मौजूद हैं, एमएलसी हैं, कांग्रेस के तेज तर्रार नेता उत्तर प्रदेश में। दीपक, आपका स्वागत है एबीपी गंगा में। थैंक यू जी। तो दीपक जी, क्या कहना, ये जो प्रियंका गांधी के दौरे हो रहे हैं एक के बाद एक, तो क्या ये माना जाए ये कदम